अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यूके ने एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए, तो आपको हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोरिस ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो 17 मई से इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसके जो है वो रिज्यूम कर देंगे। इस मीन कि आप ट्रैवल कर सकते हो यूके में, बट एक एक उसके अंदर उन्होंने कंडीशन रखी हुई कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अब ये हेडलाइन पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल विल रिज्यूम ऑन मई 17, बोरिस जॉन्स कन्फर्म दैट यूरोप रेडी फॉर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर। तो इस आर्टिकल का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। जॉन बोरिस ने क्लियरली सिग्नल दिया है इंटरनेशनल ट्रैवल्स को कि वो 17 मई से जो है यूके में आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म हो, जो भी हो। बट उसके अंदर कंडीशन ये कि जो भी ट्रैवलर आएगा, जो भी विजिटर आता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो है वैक्सीनेशन जो है वो दिखानी पड़ेगी, उसको ने वाकई ही वैक्सीनेशन करवाई हुई। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इन्होंने न्यू ट्रैफिक लाइट्स स्कीम के थ्रू जो फॉरेन ट्रैवल हैं उनको एक प्लान इंट्रोडक्शन किया था। तो उस जो है लॉकडाउन के अंदर इसी जो न्यू ट्रैफिक लाइट्स थी इसके मुताबिक वो फॉरनर्स को ट्रीट किया करते थे। जो स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है उनको जो है ग्रीन लिस्ट में पुट किया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो जब यूके में आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उनको उनकी नीड नहीं होगी कि वो क्वारंटाइन करें और फिर यूके में वो स्टे करें। मेन चीज़ है कि उनका PCR टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, वो उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब सब लोगों को पता है कि समर आ चुका है और समर में जो यूरोप के अंदर है काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रैवलर्स जाते हैं। इस बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ भी और यूके वाले भी क्या कर रहे हैं कि वो टूरिज़म को क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए स्पेस बनाना चाह रहे हैं कि वो इनके कंट्रीज़ में आए और आए घूमे फिरे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, आपको वैक्सीनेशन आपकी हुई होनी चाहिए। अगर आप किसी लिस्टेड कंट्री में आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास PCR होना चाहिए। फेक कवर टेस्ट दिखाते हो तो इसके अगेंस्ट में आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस जो ये आर्टिकल्स है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।